फर्स्ट इन्वेस्टमेंट डॉट इन में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं सब आप लोग? आज आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन बताएंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम आज की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आप सब लोगों को बताया था कि हम फर्स्ट हाफ में मैं बुलिश था। आज फर्स्ट हाफ में मार्केट आप ये कह सकते हैं कि 15-15 मिनट की 3 से 4 कैंडल डाउन साइड की थी, तो वहां हम गलत थे। वी एक्सेप्ट कि हमारी गलती थी। उसके बाद बुल रन शुरू हुआ और सारे दिन मार्केट अप ही अप थी। अब आप जहां मार्केट बंद हुई है 19710 का लेवल था मेरा, लेकिन अपसाइड में 19723 पे मार्केट बंद हुई है। अब अपसाइड जो लेवल खुलते हैं इसके बाद वो 19760 का खुलता है, इससे अप अगर आप देखेंगे 19802 का खुलता है, उससे अप 19867 का लेवल खुलता है, 67, ठीक है। तो अब कल क्या हो सकता है ये देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट हाफ में मे बी हम लिटिल बुलिश हैं, लेकिन एक रिट्रेसमेंट बनता है मार्केट में, क्योंकि मार्केट 300 से भागने लगी थी और आप कह सकते हैं 400 पॉइंट से ज्यादा भाग चुकी है, तो एक 150 से 200 पॉइंट का करेक्शन, मे बी 100 से 130 पॉइंट का करेक्शन मार्केट में बनता है। अब मैं वो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो कल आएगा। लेट्स सी क्या होता है। अगर आता है करेक्शन तो कहां तक आ सकता है। जो पहला लेवल होगा वो 19670 है, इसके नीचे शॉर्ट साइड के ऑप्शंस खुलने चालू होंगे। अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इसके नीचे मिलती है तो फिर उससे अगला टारगेट जो होगा वो 19585 का टारगेट है, माफ कीजिएगा 19580 का टारगेट है, 85 का नहीं है। उसके नीचे जो देखते हैं फिर 19528 का लेवल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर देखते हैं 19485 लास्ट लेवल होगा मे बी कल, और काफी दिन से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अब एक दिन ऐसा जरूर आने वाला है, बहुत रिसेंटली 1-2-3 दिन में, कि जिसमें मार्केट 150-200 पॉइंट माइनस दिखेगी आपको निफ्टी। तो उसी हिसाब से अपने ट्रेड प्लान करें और उसी हिसाब से चार्ट्स को देखें। अब जहां तक शेयर की बात है, कल आपको HDFC दिया था, आज मैंने पर्सनली HDFC का प्रॉफिट बुक कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको कल भी बताया था UPL आज 615 फिर से दिखा था, तो होप सो जिन्होंने लिया था उन्होंने बुक कर लिया होगा UPL को। M&M फाइनेंस की पोजीशन आपको बताई थी, चार्ट बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है M&M फाइनेंस का, स्टिल मैंने आज M&M फाइनेंस को भी बुक कर लिया है। तो दोस्तों जिन्होंने नहीं किया है, अगर कल थोड़ा बहुत अपसाइड दिखता है तो वहां पे अपने प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया एक रिट्रेसमेंट बाकी है, तो जरूर उसको ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, प्यार देते रहेंगे, हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। और जैसा कि आज आपको बताया था कि आज कुछ बेहतरीन मिलने वाला है, जो हम एक नई चीज ऐड ऑन कर रहे हैं, जो चार्ट्स शेयर्स के मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले हफ्ते से हम आपको वो चार्ट्स भी मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं और उसके बाद अपने जाके बैक टेस्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही था। लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।